दी हम भी रेटिनॉल यूज करना शुरू करते हैं, इट्स एंटी एजिंग। भाई तुम अभी तो तुम मैदान में उतरे हो। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी लंबी लगती है तो कौन सा टॉपिक किस टाइमलाइन पे शुरू हो रहा है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का टॉपिक या सेक्शन वहाँ से देख सकते हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को पूरा देखें, देख नहीं सकते हैं तो वीडियो को ऑन करके साइड में रख दें और पूरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज डिस्कस कर रही हूँ अगर आप भी रेटिनॉल को अपने स्किन केयर में इंक्लूड करना चाहते हैं तो। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो अपने स्किन केयर में रेटिनॉल ए यानी कि ट्रेटिनॉइन क्रीम को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं और यू नो क्योंकि इसके बारे में इंटरनेट पे कहीं कुछ बोला गया है कहीं कुछ बोला गया है, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये जो आज की जो वीडियो है ना, इट विल बी अ सीरीज़ ऑफ अ वीडियो ऑन रेटिनॉल ए, रेटिनो ए या रेटिनॉल ए या रेटिनॉल या ट्रेटिनॉइन, इसके बहुत सारे नाम हैं बट ये काम, ये क्रीम एक ही है और ये काम एक ही तरह से करती है। तो मैं इसको यू नो रेटिनॉल के नाम से ही बोलूँगी पूरी वीडियोज़ में और उसकी आगे की सीरीज़ में भी। ये क्रीम आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ, इट्स कॉल्ड ट्रेटिनॉइन, ठीक है, ट्रेटिनॉइन और नीचे लिखा है रेटिनो ए। सो ये क्रीम किसी भी लोकल केमिस्ट पे बड़े आराम से मिल जाती है, अराउंड 210 या 215 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। ऑनलाइन ये क्रीम कहाँ से खरीद सकते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। क्या है, कितने तरह से आती है, क्यों यूज़ करना चाहिए, कब इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए, आई मीन किस एज से, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, कितना टाइम लगेगा रिजल्ट्स देखने में, या जो फर्स्ट स्टेज है सेकंड स्टेज है आपकी स्किन कैसे रिएक्ट कर सकती है इसको यूज़ करते टाइम, सारा मैं आपसे लाइव शेयर करूँगी मेरा खुद का एक्सपीरियंस। अब मैं बात करूँ तो ये जो क्रीम है ना, ये मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले खरीदी थी। मैंने ना इस क्रीम के बारे में 1.5 साल पहले इतनी रिसर्च की है मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो और अगर आप मेरा डिस्प्रिन फेस मास्क जानते हो, उसकी रिसर्च मैंने 3 से 4 महीने की थी ना, डिस्प्रिन को फेस पे लगाएं कि ना लगाएं, बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी। तो आप समझो इस क्रीम की रिसर्च के लिए मैंने कम से कम 6 से 8 महीने इन डेप्थ पढ़ाई करी है, इसकी इंटरनेट पर आर्टिकल्स पढ़े हैं इसके बारे में, यू नो डर्मेटोलॉजिस्ट ने क्या कहा है वो पढ़ा है, देखा है वीडियोस लोगों को यूज़ करते हुए। फॉरेन में 2-3 ऐसे चैनल्स हैं, फॉरेन के ऐसे लोग हैं जो इसको 2-2 साल 10-10 साल से यूज़ कर रहे हैं और दे दोज वेमेन आर इन द एज ऑफ, अभी वो 40s में है, 45 में है, 50 की एज में है, लेकिन उनको कईयों को तो 20-20 साल हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए और उनकी जो स्किन की कंडीशन है ना अकॉर्डिंग टू देयर एज, इट्स अमेजिंग। और वो वीडियोस देख के मुझे लगा कि यार अगर मैं भी इसको यूज़ करने लगूँ तो हो सकता है मैं भी जब एज करूँगी तो जैसे जैसे एज होगी इससे थोड़ी कंट्रोल्ड हो जाएगी। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस ऑन, इतनी पढ़ाई करी, इतने वीडियोज़ देखे कि मैं घबरा गई। ना हो सकता है बहुत सारे लोग अग्री करेंगे मेरी इस बात से, इस वीडियो इस क्रीम को यूज़ करने के लिए ना यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस सबसे पहले, दूसरी बात यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो क्रीम है ये पहले आपकी स्किन को ख़राब करेगी। ना आप कहोगे कि ये ख़राब करती है तो हम इसे क्यों यूज़ करें, भाई इसके ये काम ही ऐसे करती है तो क्या किया जाए। इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इसको पूरे फेस पे यूज़ करने की। हमेशा सोचती थी अरे दिवाली आ रही है दिवाली तक फेस ख़राब हो जाएगा, इनिशियली 2-3 महीने तो ये ख़राब करेगी स्किन को, स्किन अडेप्टेशन में टाइम लगेगा तो दिवाली के बाद करेंगे स्टार्ट, दिवाली के बाद, अरे न्यू ईयर आने वाला है थोड़ा और आगे खिसका, अरे मेरा बर्थडे आने वाला है खिसका दिया, और ऐसे खिसकाते खिसकाते मुझे 1.5 से 2 साल हो गए हैं, आई एम नॉट बीन एबल टू यूज़ दिस। और बट अब फाइनली जब यू नो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एज भी हो रही है, नाउ आई हैव कम्प्लीटेड माई 38 एंड नाउ मुझे लगता है कि मुझे इसे यूज़ करना चाहिए क्योंकि स्किन की एजिंग शुरू हो गई है। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसे यूज़ करूँगी और इसकी पूरी सीरीज़ पूरी शूट करके आपसे शेयर करूँगी, पहले महीने का एक्सपीरियंस, सेकेंड मंथ में क्या रिजल्ट आया, 3rd, 4th, 5th, 6th पूरा साल तक का मैं पूरा आपसे शेयर करूँगी। सो अगर आप भी मेरे साथ ये ट्राई करना चाहते हैं, मेरे साथ शुरू करना चाहते हैं ये पूरा प्रोसेस, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले इसको ना वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 3-4 सेक्शन में, होता क्या है, कितने तरह का होता है, कब से किस एज से आपको यूज़, ये सब मैं बता चुकी हूँ आई थिंक, है ना, चलो ये छोड़ो। अच्छा तो अब क्या है
कि होता क्या है रेटिनॉल ए. रेटिनॉल ए इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. नाउ विटामिन ए आपने सुना होगा बचपन में कि मम्मी बोलते थे कि पपाया खाओ, पेट के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मैंगो खाओ, येलो चीज़ें खाओ जो कि आपकी स्किन में विटामिन ए देंगी. माना जाता है कि येलो चीज़ों में विटामिन ए होता है और वो उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हेल्दी रहती है. सो विटामिन ए का ही ये जो क्रीम है ये उसका डेरिवेटिव है. और उस इसको अगर आप स्किन पे डेली यूज़ कर, मतलब डेली नहीं, इसको अगर अपने स्किन केयर में आप ले आते हो तो आपकी स्किन की जो एजिंग है ना, मेन पर्पस इसका यही है, आपकी स्किन की एजिंग को ये डिले करता है, उसको स्लो डाउन कर देता है. तो जो फाइन लाइंस आने वाले हैं, रिंकल्स आने वाले हैं, ब्राउन स्पॉट्स आने वाले हैं ड्यू टू एजिंग, या अभी हैं ऑलरेडी आपको पैचिंग की प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड ये रामबाण है. स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, फ्रेकल्स की प्रॉब्लम है, हाइपरपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, एक्ने, पिंपल, उनके स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, ये आपको हर चीज़ से निजात दिला सकती है. बट इसको यूज़ करना सही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी स्किन इतनी बुरी तरह ख़राब होगी कि आपके डर्माटोलॉजिस्ट के पास चक्कर पे चक्कर लगेंगे, पैसे लगेंगे, और जो फ्रस्ट्रेशन आती है अपने आप को शीशे में देख के बुरी स्किन के साथ, वो तो इसका यू नो साइड इफेक्ट है ही. नाउ ये आती कितने तरीके की है, ये इसका एक ही टाइप है, लेकिन इसकी जो यू नो परसेंटेज है विटामिन ई ए की इसके अंदर वो अलग अलग परसेंटेज में आता है. जैसे मैंने जो लिया है, बिगिनर अगर आप हो, स्टार्टिंग पहली बार लगाना शुरू कर रहे हो, 0.025% में ये सबसे मिनिमम इसकी जो आती है क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी कह लें आप, या इसका जो विटामिन ए का जो डेरिवेटिव इसमें डाला हुआ है वो 0.025% वाला आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे. सो ये सबसे बेसिक है. सेकेंड आता है 0.5%, देन आता है 1% वाला, और आजकल 2% वाला भी आने लगा है. अब आपकी स्किन जितनी ज़्यादा यू नो यूज्ड टू होती जाएगी इस क्रीम के साथ, उतनी ज़्यादा परसेंटेज आप बढ़ा सकते हो. सो एज अ बिगनर आपको 0.025% वाला ही यूज़ करना है, जैसे कि मैं करती हूँ. मैंने कर दिया है इसको शुरू, और इस वीडियो में थोड़ा सा उसका पार्ट दिखा देती हूँ, बट इसका पूरे महीने, इस फर्स्ट मंथ का जो एक्सपीरियंस है ना, वो अलग से एक वीडियो में आएगा. सो ये सीरीज आएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे करके, ठीक है. बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम 18 ईयर्स के हैं, क्या हम इसे लगाना शुरू कर दें. आजकल की जो जनरेशन है ना, दे हैव सो मच प्रेशर ऑन देम टू लुक गुड, टू लुक ब्यूटीफुल, टू लुक यंग, टू लुक लीन. वो ना ब्यूटी स्टैंडर्ड सोसाइटी ने एक सेट कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको जाना चाहिए. तो वेर आई गेट सो सरप्राइज जब मुझे 18 साल 20 साल की लड़कियाँ पूछती हैं कि क्या दी हम भी रेटिनॉल यूज़ करना शुरू कर दें, इट्स एंटी एजिंग. भाई तुम अभी तो तुम मैदान में उतरे हो. अभी तो तुम्हारी स्किन ने एक्चुअली में ग्रो करना शुरू किया है, अभी उसको मत यूज़ करो. अपनी स्किन को इन क्रीम्स की आदत मत डालो. तो आप, अगर मैं कहूँगी, अगर आप 25 से कम एज के हैं, इसको प्लीज़ रेगुलर स्किन केयर रूटीन में तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है. आपने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक कोई ब्राउन स्पॉट है, एक्ने निकलते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो. आप अबव 25 इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हो एज अ स्किन केयर रूटीन, ठीक है. अब क्या, आई एम 38, मेरा 38 कम्प्लीट हो गया है, 39 मेरा शुरू हो चुका है, एंड आई थिंक इट्स अ राइट, नॉट राइट टाइम, इज द हाई टाइम एक्चुअली टू यूज़ दिस. मुझे 30 से शुरू कर देना चाहिए था, बट तब तक तो मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में. अराउंड 36 के करीब मुझे पता चला था, बट हिम्मत नहीं थी. अब हिम्मत क्यों नहीं हो रही थी इसको यूज़ करने की, क्योंकि इसके जो इनिशियल स्किन पे इफ़ेक्ट्स आते हैं, दे कैन बी रियली हॉरिबल फॉर सम ऑफ द पीपल. उसको टॉलरेट करना, उन इफ़ेक्ट्स के साथ सोसाइटी को फेस करना, किसी इवेंट में, फंक्शन में जाना, समटाइम्स कैन बी अ लिटिल स्कैरी, क्योंकि स्किन, अब आगे बताऊँगी क्यों ऐसा क्यों होता है. और 25 से अबव अगर हैं तो इसको आप स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो टिल द टाइम यू आर अलाइव. जितना ज़्यादा आप इसको प्रोलॉन्ग यूज़ करते जाओगे, आपकी स्किन मेंटेन रहेगी, एजिंग स्लो होगी, आपको इफेक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे. और अब एक टाइम के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि इस वाली परसेंटेज के साथ मेरी स्किन थोड़ी सी इम्यून हो गई है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, देन यू कैन गो एंड स्विच द 1% वाले पे आ जाओ, सॉरी 0.5% वाले पे आ जाओ. कुछ साल ऐसे निकल जाएंगे, फिर आपको लगेगा अब थोड़ी सी और मैं स्ट्रॉन्ग वाली यूज़ कर सकती हूँ, देन 1% पे. टिल द टाइम यू विल रिच 2%, आई थिंक तब तक काफ़ी बूढ़े हो चुके होंगे. राइट. अच्छा, इस क्रीम
के कुछ जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो हर किसी को मोस्टली 99% केसेस में लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे जब आप इसको स्टार्ट करोगे यूज़ करना. सो इसको सही तरीके से यूज़ करना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. अगर आप गलती करते हो इसको यूज़ करने के प्रोसेस में तो आपकी स्किन में अच्छे इफेक्ट नहीं मिलेंगे, रादर आपकी स्किन और ख़राब हो जाएगी. सो सबसे पहले तो ये है कि ये डे क्रीम नहीं है. दिस कैन नॉट बी अप्लाइड ड्यूरिंग द डे टाइम. सिर्फ रात को आप इसको यूज़ कर सकते हो. इसको लगा के आप सनलाइट में डायरेक्टली नहीं जा सकते हो. और ऐसा भी नहीं है कि इसको लगा के ऊपर से सनस्क्रीन लगा के फिर हम चले जाएं, तब भी नहीं जा सकते हो, ठीक है. अच्छा, थर्ड क्या है कि अगर आप ये लगाना शुरू कर दिया है तो सनस्क्रीन दिन में आपको 100% 200% आपको लगाना ही पड़ेगा, लगाना चाहिए भी, क्योंकि ये क्या करता है, रेटिनॉल ए जब आपकी स्किन में जाता है आपकी स्किन को पील ऑफ करता है तो आपकी ऊपरी जो स्किन है ना वो पपड़ी बन के उतरती है. नाउ दिस इज़ द हॉरिबल पार्ट जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और हिम्मत ही नहीं कर पाई इसको यूज़ करने की, क्योंकि सपोज अगर मेरी स्किन उस वाली स्टेज पे है कि जहाँ वो पपड़ी बन के थोड़ी 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 उतर रही है और कोई इवेंट आ जाता है, आई वोंट बी एबल टू गो देयर. ऑब्वियसली कोई घर पे आ जाता है तो वो फटी हुई स्किन के साथ उसको अटेंड करना, ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, तो मुझे समझ नहीं आया कैसे करें. तो इसमें अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप ध्यान रखोगे उनको उस तरीके से लगाओगे तो आपकी जो ये ड्राइनेस और जो स्केलीनेस और जो पपड़ी बन के उतरनी होगी ना स्किन, वो कम उतरेगी और थोड़ी कंट्रोल वे में रहेगी, सो दैट अगर आपको कहीं जाना भी पड़े तो भी आप जा पाओगे, यू विल नॉट बी दैट स्कैर्ड अपनी स्किन को देख के. सो सबसे पहले तो कि अगर सिर्फ रात को लगानी है, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट डे दिन में आपको, देन डायरेक्ट सनलाइट में आप लगाना तो है ही नहीं दिन में, डायरेक्ट सनलाइट भी आप अपने फेस पे अवॉइड करें, ठीक है, या तो हैट पहन लें या थोड़ा सा कवर कर लें या फिर शाम के या अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे धूप में निकले, ये थोड़ा ध्यान रखना है. ना वो जो स्किन आपकी फटकर जो पपड़ी बनकर उतरनी है ना उसको कैसे हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, पहले मैंने पढ़ा था कहीं कि इसको ना आप फेस दो और इसको लगा लो, वो सबसे ज़्यादा गलत तरीका है इसको लगाने का. आपको अपनी स्किन और इस क्रीम के बीच में ना एक पतली लेयर डालनी पड़ेगी अपने मॉइस्चराइज़र की. तो सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि अपना फेस धो जिस भी मॉइस्चराइज़र से आप धोते हो, उसके बाद अपना फेस वॉश से धोते हो उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र की एक लेयर लगा लो, उसके ऊपर आपको ये क्रीम लगानी है, ठीक है. डायरेक्टली अगर आप फेस धो के लगाओगे ऐसे फटने वाली है ना आपकी स्किन, आपको लगेगा कि ये तो सूट ही नहीं कर रहा, छोड़ो परे मुझे तो करना ही नहीं है, ऐसी क्रीम का क्या फ़ायदा जो स्किन फाड़ रही है, राइट. तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल वे में कैसे कर सकते हैं कि मैं बार बार रिपीट करती हूँ बट ठीक है फेस वॉश किया, मॉइस्चराइजर लगाया, उसके ऊपर से आपको रेटिनॉल लगाना है. नाउ ये तो हुआ कैसे लगाना है, कितना लगाना है. मटर का जो दाना होता है वो भी बहुत ज़्यादा है, उसको आधा कर लो, आधा जो पी होता है ना बस उतना सा आपको लेना है और उसको ना ऐसे थोड़े थोड़े टक 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 पूरे फेस पे ऐसे ऐसे डॉट बना लो. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आँखों के आसपास इसको नहीं लगाना है, नोज के इस वाले एरिया में नहीं लगाना है और लिप्स के इस साइड पे नहीं लगाना है, ठीक है. अब बताती हूँ, अब आप कहोगे कि यार यहीं तो रिंकल्स आएंगे, फाइन लाइन्स हमारी स्माइल लाइन्स तो यहीं बनेंगी है ना, यहाँ पर हमारी क्रोफीट्स बनेंगी, जैसे जैसे ये होगा जब लगाना ही नहीं है तो ये ठीक क्या करेगा फिर. ध्यान रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, बताती हूँ आगे. तो क्या करना है, टक 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 लगा लिया और उसको मॉइस्चराइजर लगाने के बाद इसको अपने फेस पर लगा लिया, दैट्स इट. बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी से यूज़ करना शुरू करना है और हफ्ते में पहले आप पूरा एक महीना हफ्ते में सिर्फ दो बार आप इसे लगाओगे. डे डिसाइड कर लो, मंडे एंड थर्सडे ऐसे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि मुझे मंडे को रात को लगानी है और थर्सडे को रात को लगानी है, दैट्स इट. तो पूरा महीना हमने 8 बार इस क्रीम को यूज़ किया. नाउ यहाँ यहाँ और यहाँ क्यों नहीं लगानी है, ये क्रीम ना फैलती है अपने आप ही आपकी स्किन में, ये एब्जॉर्ब होती है और आपकी स्किन के जो दरारें हैं उनमें से ये मूव होती होती अपने आप यहाँ फैल जाएगी, अपने आप यहाँ तक भी पहुँच जाएगी, अपने आप यहाँ तक भी पहुँच जाएगी. सो डोंट वरी अबाउट दिस कि मैंने तो यहाँ लगाया ही नहीं. बहुत बड़ी आप गलती करोगे अगर आप इसे यहाँ लगाओगे, क्योंकि ये जो स्किन है और ये स्किन जो है ना लिप्स के आसपास वाली, वो इतनी सेंसिटिव स्किन है ना हमारी. अगर आप इस पे ऐसी तरह की क्रीम्स लगाते हो तो ये स्किन का बहुत बुरा हाल होने वाला है, ये ऐसे पपड़ियाँ बन के ऐसे दरारे पड़ पड़ के फटेगी आपकी स्किन एंड यू विल बी स्केर्ड, एक्चुअली आपको बहुत डर लगेगा कि मैंने क्या कर लिया अपने फेस का. सो या ये पूरा एरिया ना आप आईब्रोज के साथ साथ इतना पूरा लगाना ही नहीं है, बिल्कुल आंखों के पास तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, यहाँ 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 ऐसे इतनी दूर तक आप लगाएं. जब आप लगाओगे थोड़ा बहुत तो आपकी फिंगर्स वहाँ तक जाएंगी, वो नेचुरल है और अपने आप ये क्रीम मूव होके आपके सारे पार्ट्स में अपने आप
चली जाएगी। अभी मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ और अब लगाने लगी हूँ न्यूट्रोजना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है और आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। ना बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर बेसिस पे बी मिनिमलिस्टिक का सैलिसिलिक एसिड 2% सीरम, क्योंकि वो मेरी ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या हम रेटिनॉल को सैलिसिलिक एसिड 2% सीरम के साथ यूज़ करें? मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा केमिकल अपने फेस पे ओवरलोड ना करें, थोड़ा सा अपनी स्किन को सांस देने की जगह दें। तो क्योंकि इसमें आ गया हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉल में विटामिन ए है एंड आपको पता है कि सैलिसिलिक एसिड जो सीरम है उसको भी हम रात को ही लगा सकते हैं, उसको आप दिन में नहीं लगा सकते हो। अगेन उसके भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द सनलाइट, और सनस्क्रीन लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आप उसको लगा रहे हो। जिस दिन मेरे को रेटिनॉल ए लगाना है उस दिन, उन दो दिनों पे मैं सैलिसिलिक एसिड सीरम नहीं लगाऊंगी। और अगर मैं डेली लगाती आ रही थी, ऑब्वियसली मैं लगाती ही आ रही थी, हर रोज़ लगाती थी हफ्ते में रात को सोने से पहले अपने मॉइस्चराइजर से पहले, तो दो दिन तो वो माइनस ही हो गया और मैं दो तीन दिन और उसको माइनस करूंगी। मैं थोड़ा सा ना अपनी स्किन को ऐसी छोड़ना चाहती हूँ, उसको रिकवर करने का, उसको थोड़ा सा अपने आप हील करने का टाइम देना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू ओवरडोज इट विद लॉट ऑफ केमिकल्स, ठीक है, या लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ उसको ओवरडोज नहीं करना चाहती हूँ। उसको थोड़ा अपना टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने आप थोड़ी हीलिंग फेज में आ जाए या अडेप्टेशन उसकी इसके साथ हो जाए। अब मॉइस्चराइजर आ गया, अब आ गई ये वाली क्रीम, तो थोड़ी सी ली मैंने, दैट्स इट, इतनी सी, देख रहे हो आप, मटर के दाने किससे भी आ दिए, दोनों फिंगर्स में ले ली, टक 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 टक, बस इसको लिया और फिंगर टिप से, उंगलियां ज़्यादा मत यूज़ करना नहीं तो सारा प्रोडक्ट तो आपके हाथों में ही रह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। उंगलियों के टिप से बस ऐसे माथे पे लगाया, चीक्स पे लगाया अच्छे से। मैंने बताया ना ये क्रीम ऐसे बनाई गई है कि ये अपने आप फैलती है स्किन में, तो थोड़ी सी भी अगर लगाएंगे अपने आप सारी जगह फैल जाएगी और इफेक्ट देगी। यहाँ आती ना स्माइल लाइन, यहाँ लगा लें, ठीक है, ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम आएगी बाद में, क्योंकि ये काम ही ऐसे करती है। यहाँ तो बिल्कुल नहीं लगाना है और यहाँ लगा लिया, जो बचा है थोड़ा बहुत फिंगर्स पे है वो आपको नेक पे लगा लो, और चाहिए नेक के लिए थोड़ा सा ले लो और नेक पे भी लगा लो, दिस इज़ इनफ, ठीक है, बस हो गया, सो गए। सो ये रहा किस तरीके से लगाना है और अगर नहीं लगाओगे तो क्या गड़बड़ोगे। ओके, सनस्क्रीन का एक बार बता दूं कि सनस्क्रीन अगर दिन में जा रहे हो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो मिनिमम SPF 50 आपको लगाना ही चाहिए, और अगर आप घर में हैं, आपके घर पे डायरेक्टली सनलाइट आती है तो SPF 35 आपको ज़रूर लगाना चाहिए। नाउ पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है, मैं भूल जाती हूँ यार, लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, हाँ, जब आपकी स्किन फटनी शुरू होती है, ये ना ये क्रीम आपकी स्किन को ड्राई करता है, तो जब आप उसको लगाना शुरू कर रहे हो आपको हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारा पानी पिए, फ्रूट्स खाएं, जूसेस पिए, जूसेस जैसे अवॉइड करें, फ्रूट्स खाएं, खूब सारे लिक्विड चीज़ें ना उनका इंटेक बढ़ा दें। प्लस हो सकता है आपको मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी दिन में ना सुबह जब आप मॉइस्चराइजर लगाओ आपको फिर भी आपकी स्किन ड्राई लगे, तो बार बार आपको मॉइस्चराइजर लगाना पड़ सकता है। तो दिन में आई वुड सजेस्ट कि कोई ऐसा मॉइस्चराइजर जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है वो आप लगाएं, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड क्या है, अगर पानी की एक बूंद में जितने परसेंट पानी है, हाइलुरोनिक एसिड की एक बूंद में उससे हज़ार गुना पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो जब आप हाइलुरोनिक एसिड का कोई मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगाते हो या सीरम लगाते हो उसका, तो आपकी स्किन को वो हज़ार गुना ज़्यादा हाइड्रेट करके रखेगा रादर देन किसी भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर के, ठीक है। और पानी तो पीना ही है, जितना अंदर, जितना ऊपर से बोतना है उतना अंदर से भी करना है अपने लिए, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर लगाएं, बार बार लगाएं दिन में, जितनी बार आपको लगता है ड्राइनेस आ रही है फिर से लगा लें, ड्राई ना रहने दें। इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपकी स्किन को ड्राई करेगा इनिशियली, ये सारे इनिशियल इफेक्ट्स हैं, मतलब दो तीन महीने आपको ये देखने को मिलेंगे। एक बार जब आपकी स्किन को इसकी आदत पड़ जाती है ना, ये यूज्ड हो जाती है इस क्रीम के, फिर आपको ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ना, आपको लगेगा कि ये मॉइस्चराइजर सीरम वीरम क्या है लाइफ में, ये सब छोड़ दो उठा के, बस ये क्रीम लगानी है मैंने, और तो मुझे कुछ लगाना ही नहीं है। मतलब इतनी अच्छी एक आपकी स्किन का जैसे कहते हैं ना रीबर्थ हो जाता है, literally it will be a rebirth for your skin, baby soft, जैसे कहते हैं ना मुझे baby soft skin चाहिए। baby की skin कैसी होती है, just पैदा हुआ होता है baby, उसकी skin एकदम fresh soft supple होती है, literally आपकी skin ये ऐसी बना देगी। but
रिजल्ट देखने को कब मिलेंगे? एज आई मेंशन इन द बिगनिंग, पेशेंस चाहिए होगी, मिनिमम 7 to 8 months आपको इस क्रीम को देने पड़ेंगे टू सी द विजिबल रिजल्ट्स. 6 महीने तो आपके कहीं नहीं गए. तो ऐसे मत सोचना कि यार 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कुछ रिजल्ट ही देखने को नहीं मिल रहा, तो छोड़ो. इस क्रीम को आप तभी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो जब एक तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस आपको ज़रूर चाहिए. रेगुलर इसको यूज़ करना है जिस तरीके से मैं बताऊँगी वैसे, और पेशेंस तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है. तो 7 से 8 महीने आप लेके चलो. 3 से 4 महीने के बाद ना आपको थोड़ा थोड़ा स्किन यूज टू हो जाएगी और थोड़े थोड़े इफेक्ट देखने शुरू भी हो जाएंगे. बट 7 to 8 months के बाद ऐसी स्किन, आपकी स्किन जो है ऐसी स्टेज पे आ जाएगी कि नाउ यू आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड. मतलब तब ना वो ड्राइनेस वाला, पैचीनेस वाला, स्केलीनेस वाला, वो वाले इश्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे आफ्टर मैं कहूँगी 3 to 4 months. वो सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे. पर्जिंग की प्रॉब्लम आती है कहीं कहीं, ऐसा लगेगा अरे तो और पिंपल्स की प्रॉब्लम आ रही है. सो वो सब प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे टाइम के साथ चली जाएगी एंड योर स्किन विल बी इन अ वेरी गुड गुड यू नो कंडीशन. अच्छा, जब स्किन आपकी, सपोज आपकी स्किन ड्राइनेस की वजह से इनिशियल मंथ्स में पील ऑफ हो रही है, पपड़ी बनकर उतर रही है, तो उसको आप उतारे ना, खींचे ना, क्योंकि उसके साथ हो सकता है कि आप अपनी जो यू नो रॉ स्किन है, कच्ची स्किन है, उसको भी साथ में खींच देंगे. सो ऐसा ना करें. नाउ अगर अब आप ये सुन के थोड़ा सा डर लगता है ना कि फिर इसको यूज़ कैसे करें यार, अगर ऐसी कंडीशन आने वाली स्किन की तो क्यों यूज़ करें. अगर सिर्फ 2 पॉइंट आप ध्यान रखें, एक तो इसको मॉइस्चराइजर लगाने के बाद लगाएं इस क्रीम को, दूसरा इसको बार बार अपनी स्किन को हाइड्रेट करके रखें, खूब सारा पानी पिए, और वो क्रीम यूज़ करें या वो सीरम यूज़ करें जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है. ये दोनों चीज़ें, और अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप इसको यूज़ करना चाह रहे, मेरी तो ऑयली स्किन है ना, तो ऑयली स्किन वालों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये आपकी स्किन को उतना ड्राई नहीं कर पाएगी क्योंकि आपकी स्किन में नेचुरली ऑयल्स बनते हैं. अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप ये यूज़ करना चाह रहे हो तो उनको 100% बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा. ड्राई स्किन वाले लोग आलमंड, ऑलिव या फिर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पे एज अ मॉइस्चराइजर. 100% हाइलुरोनिक एसिड सीरम या फिर उससे बेस कोई क्रीम, जैसे न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल है, बहुत अमेजिंग है. ऐसे आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है बहुत लंबे टाइम तक. पूरा जो स्केड्यूल है ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर ना एक पेपर पे लिख के आपको बता रही हूँ कि किस दिन मैं रात को क्या लगा रही हूँ, और ताकि अगर आपको भी यही फॉलो करना है स्केड्यूल, तो आप आँख बंद करके बिंदास मेरी तरह फॉलो कर सकते हैं. अब जब जर्नी पे निकले हैं तो एक जैसे की तरह ही कर लेते हैं ना, एक दूसरे की तरह ही कर लेते हैं, ठीक है. तो ये था सिंपल सा तरीका, तो आप बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको पिंपल है तब भी. तो मैं एवरी मंथ की एक इसकी अपडेट वीडियो आपको part 1, part 2, part 3 ऐसे करके मंथ वाइज आपको मिलेगी, जिसमें आई वुड बी रिकॉर्डिंग मेरी स्किन की, नो फिल्टर नो मेकअप स्किन की कंडीशन, कि आपको स्किन देखने में कैसी लग रही है, हाउ डिड आई फील, मुझे फीलिंग में कैसी लग रही थी, वो सारा मैं आपसे डिटेल में शेयर करूंगी. सो इफ़ यू आर ऑन दिस जर्नी विद मी, और आप अगर मेरे साथ इस जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना मन बना रहे थे बहुत टाइम से बट घबरा रहे थे, लेट्स डू इट टुगेदर, ओके. आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपडेट वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, एंड आई होप We can do this. I mean, I can't wait to see my skin after 6 months. की क्या आती है. कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कॉमेंट मुझे लिख देना. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एड्रेस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. इंस्टाग्राम पे भी मैं अपडेट करती रहूँगी इस क्रीम के रिजल्ट्स के बारे में. तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस. बाय.